यहाँ पे ये कैमरा सामने बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है। द वे यू सॉ के एंटर करते ही एक एक अलग स्माइल आ जाती है, बच्चा बनने का मन करता है खुद ही। मैं कोई धमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं बस धमाल देखने वाली हूँ। मैं एंजॉय करने वाली हूँ बच्चों के साथ और प्रोग्राम को। एंड बहुत सारे थे, द मास्क मुझे बहुत पसंद था, फ्लिंटस्टोन पसंद था, बहुत सारे थे ऐसे। तो अभी पॉपॉय जाना नहीं चाहिए, मेरी बहुत सारी हैं। मैं बचपन से मुझे जब भी कहीं जाना होता था, चाहे मैं पार्टी के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, चाहे मैं कहीं भी जा रही हूँ, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ, तो मैं कभी भी डिसाइड नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या पहनना है। और मेरी अलमारी हमेशा हमेशा भरी पड़ी होती थी कपड़ों से। आज भी वही होता है, मैं 10 कपड़े ट्राई करती हूँ, इधर उधर फेंकती हूँ और तब बैठ जाती हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है पहनने को। सो आई थिंक दैट स्टिल हैपन्स विद मी। और अभी मेरी मॉम ने इनफैक्ट ये बोला था कि तू पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है। सो आई थिंक वो कुछ आदतें होती हैं। आई एम ऑल्सो समटाइम्स अ स्लो ईटर। तो बचपन में इनफैक्ट मेरी मॉम जो है वो मुझे टीवी रूम से बाहर निकाल देती थी, बिकॉज आई वॉज ईटिंग सो स्लो कि मैं 2 घंटे लगाती थी खाने में। 2 घंटे तो नहीं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा स्लो खाती हूँ। Thank you. And you know, we have seen actors now exploring pink more. Really? Is this pink color going to be new trend color this December season? I really don't know. I just go with the color I feel like, to be honest. And I love colors and I love solid colors. तो मैंने तो येलो भी, ऑरेंज भी, पिंक भी, आई जस्ट फील लाइक यू शुड एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। वेल थैंक यू। आई थिंक दिस आउटफिट फॉर मी द मोमेंट आई सॉ इट, मुझे किड्स चॉइस अवार्ड के लिए एकदम ऐप लगा, क्योंकि इट्स गॉट दिस फन एलिमेंट टू इट, इट्स गॉट अ लिटिल फेदर हैपनिंग, इट्स गॉट अ लिटिल पुफीनेस हैपनिंग इन द ड्रेस। इट्स बाय डॉली जे एंड इट्स समथिंग दैट आई जस्ट वोर इट एंड आई फेल कि किड्स चॉइस के लिए बेस्ट है। ऑब्वियसली आई मीन इट्स अ फिल्म दैट वी ऑल हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड ऑन। रिव्यूज बहुत अच्छे मिले थे और हम सब काफ़ी खुश हैं रिव्यूज से। जो भी लोग देख कर आए हैं उन्हें बहुत पसंद आई है एंड दैट्स वॉट आई हैव बीन हियरिंग फ्रॉम एवरीवेयर। बट या आई फील लाइक समटाइम्स विद दिस काइंड ऑफ अ बजट फिल्म, व्हेन देर आर मोर फिल्म्स रिलीजिंग और यू नो व्हेन यू फील लाइक मे बी एज मेनी पीपल हैव नॉट गॉन टू द थिएटर टू वॉच जितना हो सकता था, तो एक थोड़ा
ऑब्वियसली होता है कि काश और लोग देखते, बट जितने भी लोगों ने देखा है उन्हें बहुत पसंद आ रही है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स डेफिनेटली अ फिल्म दैट आई विल ऑलवेज बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ. एंड आई एम सो फॉर्चुनेट बिकॉज जब आपके काम को सराहा जाता है, आई फील जितने मैसेजेस, जितने ट्वीट्स, जितना फीडबैक मुझे ये पार्वती बाई के कैरेक्टर के लिए मिला है, वो आज तक इससे पहले कभी नहीं मिला है. तो एक मोटिवेटिंग और इनकरेजिंग भी होता है एज एन एक्टर टू सॉर्ट ऑफ डू समथिंग डिफरेंट. एंड इट्स डेफिनेटली अ फिल्म आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ. I think my 2019 has been my best year in this industry so far, and the busiest also. And busy is the new happy, I feel. I think four releases in one year has been something jo pehli baar hua hai mere saath. And the way audience has sort of really reacted to every film, whether it's Lukka Chuppi, whether it's Houseful, whether it's, you know, Panipat and the character, I just feel blessed. कि ये साल शुरू अच्छा हुआ था, एंड अच्छा हुआ है, एंड आई एम होपिंग दैट अगला साल इससे भी अच्छा जाए. थैंक यू.